कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज हम क्या बनाए हैं नाश्ते में। तो हम नाश्ते में बनाए हैं पकौड़ा, पालक और प्याज साग का जो ऊपर टेरिस गार्डन से लेकर आया था, टमाटर का झोर। ये मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट नाश्ता है, वो आए हुए हैं 2 दिन पहले। और आज मेरे हस्बैंड जी का हम लोग जन्मदिन भी मनाएंगे, क्योंकि उनका शौक भी है, उनका खुशी भी है कि हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। और हमेशा मेरे हस्बैंड जी फौज में अपना जन्मदिन मनाते आए हैं, केक उक काटते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपना पार्टी जो भी उनका होता है दोस्तों में, इस तरह से हो जाता है। तो हम लोग कभी नहीं मनाते हैं, तो थोड़ा वो नाराज से हो जाते हैं, इसलिए आज हम लोग मेरे हस्बैंड जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो आगे दिखाते हैं क्या तैयारी होता है, तो शाम को फिर मिलते हैं। तो अकेले तो जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे घर में सिर्फ दूसरों बच्चों को नहीं बुलाए हैं, जो हमारे घर में बच्चे हैं स्नेहा नीतीश जो भी 2-4 बच्चे हैं उनको बुलाए हैं। तो उनके साथ हम लोग शाम को अच्छे से मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे मनाएंगे और आप लोग के साथ शेयर भी करें। तो देखिए आज हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी का जन्मदिन के लिए। कस्टर्ड बना रहे हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग कस्टर्ड बनाए थे 2 बार तो हस्बैंड जी घर में थे नहीं, तो अभी कस्टर्ड बना देते हैं। और सभी बच्चों को भी अभी कस्टर्ड ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो कस्टर्ड ही बना लेते हैं। तो ये सब गार्निश के लिए हम तैयारियाँ कर रहे हैं। देखिए कस्टर्ड मेरे बन चुके हैं, सभी फ्रूट काट लेते हैं। ये देखिए हमारे कस्टर्ड बन के तैयार हैं। इसमें फ्रूट डाल देते हैं, सेब पतला पतला कटवा लिए हैं, और ये केला है, और ये अनार है, और ये किशमिश भी थोड़ा सा भिगा लिए हैं, अच्छा है। तो हम डाल दिए किशमिश, केले डाल देते हैं। तो देखिए हमारे कितने अच्छे कस्टर्ड बन के तैयार हैं। हाँ, तो शाम हो गया है, तो देखिए मेरा कस्टर्ड बन चुका है। और अभी हम लोग वेज कटलेट बना रहे हैं कुछ नया, इसे आलू चोप समोसा तो बच्चे खाते ही हैं, तो आज नया चीज़ बना दे रहे हैं, पहले से हम बनाते हैं तो आज फिर से बना रहे हैं। तो देखिए इसमें मसाला बना हुआ है पूरा। हाँ, तो ये मैदार कॉर्न फ्लोर का घोल है, जिसमें हम डीप करके विकास के पापा को दे रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं विकास के पापा। और ब्रेड क्रम जो है, ब्रेड का चूरा जो मिक्सी में बनाए हैं उसमें लपेट रहे हैं। तो देखिए कटलेट मेरा पूरा डीप फ्राई हो रहा है, और इधर तैयार हुआ भी है, कटलेट देख सकते हैं। अब बच्चे भी आने वाले होंगे, इसलिए फटाफट हम कटलेट निकाल लेते हैं, फिर केक काटने की तैयारी करेंगे। तो देखिए हमारे कटलेट बन के तैयार हैं, और इधर फिर से कटलेट निकाल रहे हैं। पकौड़ी भी बन चुका है, और पकौड़ा बन चुका है, प्याज पकौड़ा और वेजिटेबल चॉप। अब सिर्फ केक काटने का तैयारी है। देखिए बच्चे क्या क्या तैयारी किए हैं, हम तो किचन में ही लगे हुए थे शाम से, हमको पता भी नहीं है, अभी आके घुस रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन थोड़ा बहुत जो भी बच्चे किए हैं, विकास किया है, खूब सुंदर देखिए बैलून उन्होंने टांग दिया है, देखने में एकदम हैप्पी हैप्पी लग रहा है, पूरा बर्थडे वाला घर लग रहा है। बेबी सिटिंग को भी देखिए, अभी बच्चे आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ बेबी सिटिंग में, सचमुच सुंदर लग रहा है। तो कुछ नहीं, बट थोड़ा बहुत लाइटिंग हो गया, थोड़ा बलून हो गया, पता नहीं कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा कुछ। अभी केक यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं, अभी जैसे ही स्नेहा और रितेश वगैरह आएंगे उसके बाद यहाँ केक कट होगा, बाकी कुछ वही मिठाइयाँ। हाँ, तो विकास के पापा का मन भी था, एक बार 3 साल पहले जब हम लोग रांची में रहते थे, उनका पोस्टिंग हजारीबाग में था, तो आए हुए थे छुट्टी बर्थडे मनाने के लिए, और हम लोग सोचे कि आज नाइज में बर्थडे मनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल था, जो हम लोग का खाना दिनचर्या था वही सब किए। तो हम लोग से साथ में नाराज हो गए थे कि वहाँ हम फौज में रहते तो मेरा कितना अच्छा सा सेलिब्रेशन होता, तुम लोग तो कुछ भी नहीं किए मेरा बर्थडे में, ऐसे बोल के खूब नाराज हो गए थे। तो उसी समय हम मजाक बोले थे, रुकिए समय आने दीजिए, आपका बर्थडे बहुत अच्छा से कभी हम मनाएंगे। तो शायद आज वो दिन आ गया है, पिछले साल तो इसे कोरोना सब के चलते ठीक से नहीं मना पाए, तो देखिए इस साल भगवान की कृपा से अच्छे से सब कुछ तैयारी हो गया है। और मजाक में बोले थे बैलून टांग के आपका बर्थडे मनाएंगे, तो देखिए इनका हो गया है 54 ईयर, माने 54 साल के हो गए हैं, लेकिन लगते नहीं है, हम इनसे 8 साल के छोटे हैं।
तो गिफ्ट तो हम इनको क्या देंगे, सब कुछ तो इन्हीं का है, मेरा कमाया वह एक गार्डनिंग का सुंदर सा फूल जो हम इनको गिफ्ट देते हैं। तो जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। बच्चे आ गए सब। चलो हाय बोलो। हाय। यहाँ स्नेहा क्यों आए हो बच्चे, रीजन बताओ। फूफा जी का बर्थडे। हाँ फूफा जी का। तो यहाँ पर केक कट चुका है और फिर हम सभी के लिए नाश्ता बांट रहे हैं। विकास भी केक काट दे रहा है बांटने के लिए। और नाश्ता में क्या क्या बना था हम बताते हैं। हम बनाए थे वेज कटलेट, पकोड़ा बनाए थे और घर में कस्टर्ड बनाए थे और बाहर से केक आया था, रसगुल्ला आया था, कोल्ड ड्रिंक था। कैसा लगा स्नेहा केक? अच्छा लगा। देखो मम्मी का हम क्या खा रहे हैं। फूफा जी का बर्थडे ना, हम केक खा रहे हैं। मिका अरे यहाँ कस्टर्ड हम सबको सर्व कर दे रहे हैं, कस्टर्ड भी दे रहे हैं साथ में। कस्टर्ड भी बहुत अच्छा बना था। तो बोलिए कुछ, आपका जन्मदिन में इतना बच्चे अच्छा से सेलिब्रेशन किए। तो भैया आए थे बच्चों लोग, एक बच्चे लेके, तो एक बच्चे लेके चले गए। नाश्ता पानी हो गया सबका, छोटा सा हम लोग का सेलिब्रेशन हुआ। और दो बच्चे यहाँ हैं जो कि हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं तो खूब हंस रहे हैं, फुआ फूफा जी फोटो खिंचा रहे हैं बोल के। तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्लॉग था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो देखिए अभी हम लोग खा रहे हैं केक, सबके जाने के बाद हम लोग दोनों बच्चे से मस्ती करेंगे। अरे दीदी तुम बीड़ी वाला केक जो खाया था, इसे कैसा लगा था? केक के ऊपर सजावट था, सजावट के लिए बिस्किट टाइप का कुछ लगा था। बिस्किट जैसा वो कैसा लगा था, मजा आया था तुमको सुनेहा? जो बिस्किट वाला जो खाई वो कैसा लगा? चॉकलेट ये बहुत खाने में टेस्टी है, सॉफ्ट है इसके ऊपर। ये खाने में देखना बहुत सॉफ्ट और टेस्टी है, बहुत कम ही खाते हैं केक, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्ट अच्छा है। सोचे तो नहीं खाएंगे लेकिन खा लाते हैं, खा लो बहुत टेस्टी करता है। विकास को केक बहुत पसंद है, लेकिन जब से जिम कर रहा है थोड़ा सा खान पान में कंट्रोल कर रहा है। कस्टर्ड बना रही थी लेकिन दो बार फेल हो गए, और तो कैसे तुम लोग नहीं डाली थी? मैं दूध डाली थी लेकिन इसके पास होकर फल सब नहीं था। अच्छा था, भी चलता। और फिर एक दिन पानी डाला, पानी डाल के दूध नहीं था इसलिए पानी से बना रही थी। तो हुआ ये कि मेरे पास कस्टर्ड पाउडर था, तो स्नेहा कुछ दिन पहले आई थी घर पर, तो बोली कि हम कस्टर्ड खाने का मन है, तो मम्मी तो बनाई नहीं थी, तो ये यहाँ से कस्टर्ड पाउडर उठा के गई थी, तो ये ट्राई कर रही थी रेसिपी लेकिन फेल हो गई। फेल हो गई एक बार हम दूध से बनाई थी तो उसमें कुछ फल वगैरह नहीं डाली, तो ऐसे सादा खाना पड़ा। और एक बार तो पानी में बना रही थी, हमको लग रहा था स्नेहा पानी में बनाते हैं। कोई बात नहीं, आज इसीलिए हम लोग कस्टर्ड बनाए हुए हैं, तो खा लेंगे हम अच्छे से, आराम से खा देंगे। तुमको क्या बोले थी पुआ, हम आपको ब्लॉग देख के कस्टर्ड बना लेंगे ऐसे बोल रही थी, लेकिन फेल हो गई ना। तो मम्मी कहा नहीं बना रही,
स्नेहा बोली कि हम अकेले से बना लेंगे, खुद से मम्मी को बनाने नहीं दी ना स्नेहा। और माँ रोटी बना रही थी, स्नेहा कस्टर्ड बना रही थी, दो बार तो फेल हो गई। दो बार नहीं, दो बार। इस बार फेल मत होना ना, पास हो जाना। कोई क्या माँ सब कस्टर्ड पाउडर जब कम है, उसको पीने पहले मुझे जूस पीने दो, तब फोटो खींचना रहते ना। क्या बोल रहे थे पापा जी बता? पहले जूस पिएगा, जूस ही तो है और वाइन थोड़ी है कह रहे थे ना। मैं जूस पी रहा जूस पी रहे दारू नहीं पी रहे हूँ। अरे सिस्टीन बोला ना रे, अच्छा बना ना। अल बात तो फिर नहीं होगी, ऊपर सब आ गया। पहले वो तो अनार आ गया, आलू सब देख लेना, फिर वाला बनाना, फिर वाला एक